मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब क्या है कि लोग गाड़ी तो लेते हैं लेकिन वो एज अ फैंसी फीचर उसको देखते हैं, कभी भी वो नहीं देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है और हमें यूज़ क्या है उस चीज़ का। तो फैंसी फीचर के बारे में हम लोग बात करते करते अब चलते हैं सबसे पहले गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी आप देखा करें तो आप जो भी गाड़ी ले रहे हैं वो बेस से स्टार्ट होती है और टॉप तक जाती है। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल रिम्स दिया करते हैं और टॉप मॉडल्स में आप जाइएगा तो व्हील्स का इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें भी साथ साथ आपको TPMS के भी फीचर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कितने गाड़ी हैं, कितनी कंपनी है इसमें ये जो स्टील रिम देती हैं और कुछ मॉडल के बाद बीच बीच मॉडल वाले में स्टील रिम के साथ एलॉयज टाइप का व्हील कैप दे दिया जाता है, लेकिन वो एलॉयज नहीं रहते, वो स्टील ही रहते हैं, केवल राउंड तरह का दे दिया जाता है। लेकिन वो किस टाइप के रहते हैं, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, कुछ लोग तो बेस लेके उसको अपडेट करा के एलॉयज लगवा लेते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, प्रैक्टिकल रीज़न, चलिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात करें कि कौन सा यूजफुल है और कौन सा प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एलॉयज के साथ बात करें तो एलॉयज आपको कब लेना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको रेगुलर की रनिंग है, तो उस वे में अगर आप रोड्स के हालत देखें, इंडियन रोड्स के हालत अगर देखें तो हमारी सरकार उस टाइप की है कि रोड्स कभी नहीं बन पाती है इसमें। तो रोड्स की हालत देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पीड चल रहे हैं गाड़ी तो अचानक से वो कहीं ना कहीं पैचेज आ जाते हैं, जो गड्ढे रहते हैं जिसमें पानी वगैरह भरा रहता है, तो वो पानी के चलते विजिबल नहीं होता है कि कितने बड़े गड्ढे हैं वो। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप स्टील रिम्स के साथ चल रहे हैं तो स्टील रिम्स जैसे ही उस गड्ढे में जाएंगे तो स्टील रिम्स बेंड हो जाते हैं साइड से। तो स्टील रिम्स का बेंडिंग बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टील का यूज़ किया गया है, आयरन कहीं भी नहीं है। और यहीं अगर एलॉयज के साथ बात करें तो एलॉयज जब भी उस गड्ढे में जाएंगे वो कभी बेंड नहीं होंगे। वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अलॉयज टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं से बीच में से क्रैक कर जाएंगे, लेकिन वो बेंड कभी नहीं होंगे। तो यानी कि अगर किसी भी स्पीड में आप चल रहे हैं तो अलॉयज का बेंड होना ना के बराबर पॉसिबल नहीं है, एकदम इम्पॉसिबल है कि अलॉयज बेंड ही होंगे। वर्स्ट कंडीशन में एक्सीडेंटल केस में भी अगर आप देखते होंगे, कभी ना कभी भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन एक्सीडेंटल केस में आप देखते होंगे कि अलॉयज जो है, जिस भी गाड़ी का अलॉय है वो कभी बेंड नहीं होता है, वो हमेशा टूटता ही है। और किसी भी गाड़ी में जिसमें आप स्टील रिम देखा करते होंगे तो स्टील रिम का जो चक्का होता है वो कम्प्लीटली बेंड हो जाता है, स्क्वायर शेप में, किसी और शेप में, मतलब बेंड हो जाता है, वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। तो उस केस में अगर आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट भी हो जाता है तो गाड़ी को वहाँ से निकालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो राउंडनेस नहीं रहेगा चक्के में वो चलेगा ही नहीं। और अगर अलॉयज टूटते हैं तो वो चल सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर भार बांटकर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यही प्रैक्टिकल यूज है, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस आपको यही बता रहे हैं। और कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है कि कंपनी का नाम नहीं लूंगा, डिफेम नहीं कर रहा हूं, जैसे कोई भी बीच का मॉडल है उसमें नॉर्मल सा स्टील रिम दे दिया जाता है, अंदर में कोई स्टील नहीं रहता है, बीच में भी केवल कैप नहीं लगाया रहता है, स्टील रिम दे दिया जाता है, बाहर से कैप लगाया दिया जाता है और बीच में पूरा वो खोखला रहता है, कुछ नहीं रहता है उसमें। तो उस केस में क्या होता है कि अगर गाड़ी कहीं भी पैचेस में एंटर करती है स्पीड में, हाई स्पीड पे, तो वो ज़्यादा डैमेजेबल रहती है, कहीं भी गाड़ी का तुरंत वो मुड़ जाएगा और कहीं से भी उस गाड़ी को सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि वो अपने अनुसार बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इंडियन रोड्स के अनुसार वो स्ट्रांगनेस कहीं भी नहीं है, वो स्ट्रांगनेस इंडियन के लिए बहुत मिनिमम स्ट्रांगनेस कह सकते हैं, क्योंकि अलॉयज तक लोग तोड़ देते हैं तो वो तो स्टील रिम में कितना टिकेगी कितना नहीं टिकेगी वही आप देख सकते हैं। अगर आप बाइक से भी हम लोग कंपेयर करें, बाइक और साइकिल आप लोग जरूर चलाए होंगे, तो बाइक्स में देखे होंगे कि आज के डेट में सारे में अलॉयज दे दिए जाते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो वो अलॉयज टूटते हैं ना कि बेंड होते हैं। और साइकिल्स में आप देखे होंगे कि अगर कोई भी चीज़, मैं जैसे एक बार गया हुआ था बाहर, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली मैं देखा कि वो साइकिल एक इंसान लेकर जा रहा था, पीछे से एक कार वाले ने चढ़ाई तो वो साइकिल का टायर बेंड हो गया, वो साइकिल वाला कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाया, यानी कि उसका जो टायर जैसे ही बेंड हुआ वो ऐसे टायर था, वो ऐसे 90 डिग्री पर हाफ टायर बेंड हो गया, तो वो वहाँ से कोई कंडीशन में नहीं निकल सकता है, ना ही उसका टायर फिट होगा आज के बाद उसमें, तो वो कम्प्लीटली अब चेंज कराने का ज़रूरत उसमें पड़ सकता है। लेकिन एलॉयज का यूज़ यही रहता है कि वो टूट जाएंगे, लेकिन टूटते भी कब है, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में टूटते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और टूटने का मतलब है कि इम्पैक्ट बहुत हार्ड हुआ है तभी वो टूटे हैं। अगर उतना इम्पैक्ट में आप स्टील रिम लेकर जाएंगे तो गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हो जाएगी, वो स्टील रिम कंप्लीट आप एक तरह से कह सकते हैं कि वैनिश हो जाएगा, आपको कोई भी उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो यही था आज का मेन वीडियो बनाने का हमारा पर्पस, कि आप जानिए कि आप स्टील रिम क्यों यूज कर रहे हैं और अलॉय क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आप बेस भी लेते हैं तो आप सेफ्टी फीचर के अनुसार अगर कहें तो आप बेस में लेकर भी अलॉय जरूर लगवा लिया कीजिए, ताकि आपका गाड़ी जो है वो सेफ रहे। अगर आफ्टर मार्केट आप काम कराते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो
कितने दिन एलॉयस चलेगा, लेकिन अगर आप ब्रांड वैल्यू से लेते हैं, ब्रांड से एलॉयस लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि वो स्ट्रांग रहेंगे और आपकी गाड़ी, आपके फैमिली, आपके हर एक चीज़ जो भी गाड़ी में है वो सेफ रहेंगे। और अगर आप कहीं बाई मिस्टेक भी, भगवान न करे कभी एक्सीडेंट भी होता है, तो आप वहाँ से गाड़ी निकालने के कंडीशन में, आपके चक्के रोलिंग कंडीशन में हमेशा रहेंगे, ताकि आप गाड़ी कम से कम वहाँ से अगर टो भी कराना चाहें तो आराम से वो खींच कर भी ले जा सके। यही था मेन मोटिव हमारा वीडियो बनाने का, कि आप स्टील रिम्स की जगह आप एलॉयस की तरफ जाएं। स्टील रिम्स आप चला सकते हैं, लेकिन अगर स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है, वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, लेकिन अगर फैंसी की तरफ भी देखें और सेफ्टी की तरफ भी देखें तो यही है। और कुछ कुछ गाड़ी में TPMS का फीचर दिया जाते हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, कभी भी फीचर पर डिपेंड मत होइए, TPMS के फीचर कभी ना कभी गलत साबित होते हैं, कभी कभी फॉल्स भी बताते हैं। तो आप जब भी कहीं बाहर निकल रहे हैं तो एक बार टायर का प्रेशर जरूर चेक करा लें, क्योंकि वो छोटा सा मशीन है, पता नहीं सही बताएगा या नहीं बताएगा, वो रेयर केस में होता है कि गलत बताता है, लेकिन फिर भी एक अपने तरफ से अगर आप कभी भी बाहर निकल रहे हैं तो एक बार हवा चेक जरूर करा ले, गाड़ी का एयर प्रेशर चेक करा ले, गाड़ी का कंप्लीट एक बार जनरल चेकअप करा ले अगर लॉन्ग ट्रिप पर निकल रहे हैं तो, और उसके बाद गाड़ी को लेकर निकले, ताकि आपको कहीं भी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो। तो यही था आज का वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा। अगर आपके पास स्टील रिम है तो क्या आप अलॉयस चेंज आने वाले हैं या नहीं, वो कमेंट में आप जरूर हमें बताएं। और आपको कोई भी डाउट, अदर डाउट भी होगा गाड़ी से रिलेटेड, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस पार्ट को कैसे मैं कवर करूं, कैसे इस चीज़ को मैं डील करूं कि क्या हो रहा है, क्या लगाना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए और प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं या फिर हमें ऑफिशियली मेल भी कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ नीचे देखने के लिए मिल रहेंगे। यही था आज का वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns